Hello to all my dear students. I'm very sorry. The last video was deleted by some mistakes. Students, मैंने अपलोड किया था वॉल्यूम 1 चैप्टर नंबर 4 का, बट वो अनफॉर्चुनेटली डिलीट हो गया. सो आई मेड दिस अनदर वीडियो. ओके, सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग मोर गुड इन अ गुड वे दिस चैप्टर. ओके, सो यू ऑल प्लीज सी दिस वीडियो. ओके, so you all know that I switch on to the learning objectives first. So after studying this chapter, okay, you will be able to apply the properties of multiplication. Okay, students, multiplication ki properties ko apply kaise karenge usko dekhenge. Multiply quickly by 10, 100, 1000 and their multiples. Kaise hum 10, 100, 1000 ke multiple se multiply quickly kar sakte hain. ओके, पहला है प्रॉपर्टीज़ देखना हमें. ओके, सेकंड है उसके मल्टीपल से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हमको वो देखना है. थर्ड इज़ मल्टीप्लाई 3-digit number बाय 2-digit number. 3-digit के नंबर को कैसे 2-digit से मल्टीप्लाई करें उसको देखेंगे. फोर्थ, 4-digit number बाय 1-digit number. ओके स्टूडेंट्स, ओके ओके. फिफ्थ, अंडरस्टैंड द लैटिस मल्टीप्लिकेशन. तो स्टूडेंट्स, लैटिस मल्टीप्लिकेशन का आपका नेक्स्ट वॉल्यूम है, उसमें वो बहुत अच्छे से अपलोडेड है ऑलरेडी. तो लैटिस मेथड इसमें नहीं करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, बाकी सारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स सेकेंड वॉल्यूम में कवर अप हैं. अभी हम यहाँ पर सिर्फ बेसिक चीज़ें देखेंगे स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन क्विकली बाय 10, 100 and 1000. बहुत ईजी है. 4 ऑब्जेक्टिव्स को मैं यहाँ कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे. ओके, लेट्स सी. तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको वीडियोस में बताया है ऑलरेडी दैट मल्टीप्लिकेशन इज़ द रिपीटेड फॉर्म ऑफ एडिशन. ओके, मल्टीप्लिकेशन क्या है? रिपीटेड फॉर्म ऑफ एडिशन है. एडिशन को जब हम लगातार करते हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन बन जाता है. फॉर एग्जांपल, 2+2+2+2 हमें लगातार प्लस ना करना पड़े, इसीलिए टेबल्स बने, इसीलिए टेबल्स का फॉर्मेशन हुआ कि हम कैलकुलेशंस को, जो डेली के कैलकुलेशंस हैं, उनको हम जल्दी कर पाएँ. ओके, क्योंकि हमें देखो आज की दुनिया में, इन टुडेज़ जनरेशन, टुडेज़ वर्ल्ड, हमको कुछ चीज़ें काउंटिंग करनी है. सबसे ज़रूरी चीज़ हमें पैसे काउंटिंग करने आने चाहिए. ओके, इकोनॉमिकली हर चीज़ ख़रीदने और बेचने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है, तो पैसों को हम गिनते हैं स्टूडेंट्स. ओके, तो पैसे की लेन देन हमेशा होती है और हर एक मिनट होती है. एवरी मिनट करोड़्स एंड करोड़्स ऑफ रुपीज़ आर ट्रांसमिटेड. सो वी नीड टू नो दिस. ओके, नॉट ओनली फॉर काउंटिंग मनी, सिर्फ मनी काउंट करने के लिए नहीं स्टूडेंट्स, पर हम काउंटिंग प्रोसेस के लिए भी किसी को गिनते हैं, तो हमें उसकी कैलकुलेशंस के लिए हमें मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़रूरी है. ओके, सो इन अ वाइड प्रोसेस मल्टीप्लिकेशन इज़ द रिपीटेड फॉर्म ऑफ एडिशन. ओके ओके, क्या है? सो टू डू दिस मल्टीप्लिकेशन वी हैव टू लर्न टेबल्स. वी ऑल हैव टू लर्न टेबल्स बेसिकली फ्रॉम 2 to 20. बेसिकली वी हैव टू लर्न टेबल्स फ्रॉम 2 to 20. ओके ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी मोर प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन. क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के क्या प्रॉपर्टी हैं? मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है क्या उसके फीचर्स हैं. मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं तो स्टूडेंट्स, हमें किस बात का, किस रूल्स का हमें ध्यान रखना है और हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा ऑर्डर प्रॉपर्टी. स्टूडेंट्स, ऑर्डर प्रॉपर्टी से ये मतलब है कि हम पोजीशन या उसके जगह को या उसके ऑर्डर को हम उसके इधर उधर कर दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है. वी कैन मल्टीप्लाई 2 numbers इन एनी ऑर्डर. 2 number को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, बट द प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम. जो प्रोडक्ट है, जो आंसर उसका आता है, वो सेम रहेगा. जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए आप. एग्जांपल है, 12 को 7 से मल्टीप्लाई किया गया है तो 84 आया. ओके, 12 × 7 = 84 एंड 7 × 12 = 84. तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ क्या दिख रहा है, बस पोजीशन चेंज हुई है ना. ओनली पोजीशन इज चेंज, आंसर इज़ द सेम. तो
तो हमें यहाँ ऑर्डर प्रॉपर्टी से क्या पता चलता है कि उसकी पोजीशन के बदल जाने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, ये एडिशन, ये ऑर्डर प्रॉपर्टी एडिशन में चलती है, सब्ट्रैक्शन में नहीं चलती। ओके स्टूडेंट्स, इस ऑर्डर प्रॉपर्टी को अब याद करेंगे तो एडिशन में भी मैंने पढ़ाया है, एडिशन में हमें ऑर्डर प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, इसमें पोजीशन मायने नहीं रखता। आप पहले भी 7 लिख दोगे, बाद में 12 प्लस करोगे या 12 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, उसके आंसर में फ़र्क नहीं आएगा। ओके, सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी है। तो सेकेंड एग्जाम्पल भी आप हमने देख लिया है स्टूडेंट्स। ओके, इट इज़ द सेम। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1। ओके स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? 1 का मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी मतलब 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा। तो स्टूडेंट्स, हमें द डेफिनेशन इज सेइंग दैट व्हेन एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 गिव्स द नंबर 1 इटसेल्फ। ओके, गिव्स द नंबर इटसेल्फ। सो 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल्स टू 5 इटसेल्फ। ओके, व्हाट द डेफिनेशन इज सेइंग, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है, जो आंसर आता है, वो नंबर इटसेल्फ आता है, वो खुद ही नंबर वो आता है। ओके, फॉर 25 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल्स 25 ओनली। तो कोई भी बड़े से बड़ा नंबर हो गया, स्मॉल और बिग नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल्स टू दैट नंबर इटसेल्फ, वो नंबर ही आता है। ओके, नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। ओके, 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हम आंसर लेके आएंगे, क्या आंसर हमारा आएगा, लेट्स सी। ओके, 10, हियर कैन सी द एग्जांपल, 10 मल्टीप्लाइड बाय 0 इक्वल्स टू 0। सो एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 0। ओके स्टूडेंट्स, किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा हमारे पास 0 आता है। ओके, ओके स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, ऑलवेज रिमेंबर, किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है आंसर। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट, फोर्थ, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। ग्रुपिंग प्रॉपर्टी सबसे ज़रूरी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, ये मैं आपको थोड़ा डिस्कस करके, मैं आपको एलेबोरेट करके मैं इसको बताऊँगी क्या मतलब है इसका। स्टूडेंट्स, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी में हम नंबर्स को ग्रुप करते हैं, किस बेसिस पे ग्रुप कर रहे हैं, जैसे कि आप फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बट आई विल एक्सप्लेन दिस फर्स्ट डेफिनेशन। वाइल मल्टीप्लाइंग मोर देन टू नंबर्स, जब हम दो नंबर्स को साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, तो वी हैव द नंबर रिमेन्स द सेम इवन इफ वी चेंज द ग्रुपिंग ऑफ द नंबर। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट का आंसर आता है वो सेम आता है, जब भी हम उसके पोजीशन को या ग्रुप को भी हम चेंज कर दें तो भी हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है वो चेंज नहीं होता है। कैसे, वी विल सी दिस, और किस तरह से हम ग्रुपिंग करते हैं स्टूडेंट्स। इस ग्रुपिंग में हमें 3 चीज़ें सीखनी है, ब्रैकेट, द नीड ऑफ ब्रैकेट, ब्रैकेट का क्या मतलब है, उसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, किस तरीके से, और फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, और इसमें एक ऑर्डर प्रॉपर्टी भी यूज़ हो रही है ग्रुपिंग प्रॉपर्टी में। स्टूडेंट्स, ऑर्डर प्रॉपर्टी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वो भी इसमें यूज़ होती है। ओके, तो हम देखेंगे इसका क्या मतलब है। तो स्टूडेंट, जब भी ब्रैकेट हो इस तरह से 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 2, तो स्टूडेंट जो ब्रैकेट में होता है कोई भी नंबर वो पहले मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स पहले मल्टीप्लाई होने के बाद आपको बाहर से फिर इसको, बाहर वाले नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट में स्टूडेंट देने का रीज़न यही है कि इट इज़ मल्टीप्लाइड फर्स्ट। सो आई विल एक्सप्लेन यू हेयर दैट 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस। स्टूडेंट्स, आप एक बार इमेजिन करके देखिए, अगर ये जो 2 है, दिस 2, ओके, ये पहले लिखा होता तो 4 इंटू 3 के पहले लिखा होता तो, और स्टूडेंट्स ये बाद में लिखा है, तो वॉट वी कैन से इज़,
ब्रैकेट के जो हमारे पास पेयर हैं, 4 × 3 फैक्टर के पेयर हैं, उसको हमने पहले लिखा है, उसको हम बाद में भी लिख सकते हैं, पर स्टूडेंट्स बाद में लिखें या पहले लिखें, यहाँ पे ऑर्डर प्रॉपर्टी जैसे यूज़ हो रही है कि फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज प्रोडक्ट विल हैव द सेम वाइल मल्टीप्लाइंग, द पोजिशन डज नॉट मैटर, ओके। बट इन केस ऑफ ब्रैकेट, हमें ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करना है ये हमें जानना है। तो इसमें जो 2 है ये बाहर है ब्रैकेट के, तो 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट के दोनों फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आंसर को लिखेंगे, ओके स्टूडेंट, दिस इज़ द थिंग। तो स्टूडेंट जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा आंसर 4 × 3 × 2 है, सो वी विल हैव द आंसर हियर 4 × 8 × 3 × 6, ओके। वी विल हैव, लेट मी राइट इट, सो 4 क्या हम कर रहे हैं यहाँ पे, 4 × 3 ब्रैकेट में इंटू 2, सो 4 2 करना है एंड 3 × 2 ये करना है। स्टूडेंट्स लेट्स हैव अ लुक हियर, हमें ये करना है 4 × 3 × 2, इट इज इक्वल टू 4 × 2 एंड 3 × 2, द 4 2 हमारा हो गया 8 और 3 2 हो गया 6, ओके 8 6 दैट इक्वल्स टू 14, ओके। स्टूडेंट्स हियर यू कैन सी दैट फर्स्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई 4 × 3, सो इट विल बी इक्वल टू 12, द 12 वी विल मल्टीप्लाई बाय 2। दिस इज़ द प्रोसेस एज आई एक्सप्लेन यू कि पहले हम ब्रैकेट के जो भी नंबर्स हैं उसको पहले मल्टीप्लाई करके फिर बाहर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। बट सी दिस नेक्स्ट वन, ओके लेट सी दिस नेक्स्ट वन, 4 × 2 × 3 इज इक्वल टू 8 × 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या किया गया है, 4 × 2 वी हैव 8 एंड देन इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 2, ओके सॉरी 8 × 3 देन वी हैव 24, ओके। तो स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी का मेन इसमें क्या है, आपके देखिए पोजीशन ऑफ नंबर्स चेंज हो रहे हैं, एक को हम अंदर ले रहे हैं और दूसरे को हम बाहर ले रहे हैं, बस हमारी पोजीशन मैटर नहीं करती है, बट जब हम ब्रैकेट के अंदर नंबर्स को लिखते हैं तो हमको बस उनको पहले हमको मल्टीप्लाई कर लेना है, ओके। वी हैव टू मल्टीप्लाई इट फर्स्ट व्हेन इट इज़ इन द ब्रैकेट, ओके अकॉर्डिंग टू मैथ्स फॉर्मूलाज, ओके। नेक्स्ट 4 × 2 × 3, अब स्टूडेंट देखिए 4 जो है आउटसाइड हो गया है, 2 × 3 मल्टीप्लाइड ब्रैकेट में हो गया है, तो इसको फिर 4 को भी अलग रखेंगे, 2 3 ज़ा फिर 6 करेंगे, तो 4 6 ज़ा 24, तो स्टूडेंट्स आप देखिए 24 24 24, द रिजल्ट्स आर द सेम, हमारे पास एक ही क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, 4 को 3 से और 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने क्या किया, बस इसमें हमने ऑर्डर को चेंज किया इसके और एक ग्रुप बनाया, ग्रुप किससे बन रहा है हमारा, ब्रैकेट के वजह से बन रहा है, ओके। तो दिस इज़ द थिंग, अब स्टूडेंट्स इसको जब प्रैक्टिस आप करेंगे तो आप उसको समझेंगे कि इसका और भी एलैबोरेशन क्या होगा, ओके लेट्स सी, ओके फोर्थ वन वाज वेरी इजी, विल सी दिस इन एग्जांपल आल्सो, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी वेरी इजी, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी बहुत इजी है। तो स्टूडेंट्स उससे भी थोड़ा सा बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आई बेट यू इट इज़, अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपको एक्सरसाइज करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, उसको एक बार आपने समझ लिया स्टूडेंट्स इट इज़ वेरी इजी, नॉट टफ, आपको बस उसमें एडिशन को भी ध्यान में रखना है, ओके। लेट्स सी व्हाट इज़ द थिंग हियर, ओके जस्ट सी दिस एग्जाम्पल, फर्स्ट इज 2 × 3 + 5, ओके 2 × 3 + 5, सो स्टूडेंट्स 2 इज आउटसाइड एंड और हमको अंदर अंदर जो है प्लस करना है, अब देखिए तो स्टूडेंट्स ऑलवेज
वी नो दैट वी हैव टू डू द ब्रैकेट क्वेश्चन फर्स्ट, ब्रैकेट का हम पहले सॉल्व करेंगे. बट स्टूडेंट्स इन मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन व्हेन इट इज़ टुगेदर, जब टुगेदर होता है और इस तरह ब्रैकेट में लिखा होता है, तो स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लीकेशन के प्रोसेस को ब्रैकेट में अंदर उसको सॉल्व करेंगे. लाइक हियर, इसी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं. डिस्ट्रीब्यूट होना, टू थ्री से और फाइव से दोनों से जुड़ा है. ओके बस ये क्या हुआ, हमें डिस्ट्रीब्यूट करके हमें लिखना है इसको. ओके तो डिस्ट्रीब्यूट जब हम कर रहे हैं इसको, जब हम इसको बांट रहे हैं उसके पार्ट्स को, तो टू को हमें थ्री से भी मल्टीप्लाई करना है और फाइव से भी. स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, दोनों ब्रैकेट में हैं, दोनों एनक्लोज्ड हैं. टू को सिर्फ थ्री से नहीं पर टू को फाइव से भी हमें मल्टीप्लाई करना है. और स्टूडेंट्स प्लस का साइन एज इट इज़ रहेगा बीच में. ओके जैसे कि हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको. ओके सी दिस इज मल्टीप्लाइड हियर, सो टू एट्स आर, टू को हमें थ्री से मल्टीप्लाई करना है एंड टू को फाइव से भी मल्टीप्लाई करना है. टू को मल्टीप्लाइड बाय थ्री ऑल्सो, टू मल्टीप्लाइड बाय फाइव ऑल्सो. ओके टू शुड बी मल्टीप्लाइड बाय थ्री ऑल्सो and 2 should be multiplied by 5 also as you can see here down. Okay so what is the meaning here, 2 को हम plus करके भी multiply कर सकते हैं और students हम इस तरह से distribute करके भी multiply कर सकते हैं, answer में कोई फ़र्क नहीं आएगा हमारे. Okay तो स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसलिए आपको बताई जा रही है कि कोई भी आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स के जैसे क्वेश्चंस आए जहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो, तो आप माइंड ये लगा के यूज़ कर सको कि फैक्टर्स हमारे कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हैं. क्योंकि स्टूडेंट्स जब भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो फैक्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. ओके जब 8 का फैक्टर है ओके और या 2 का फैक्टर है, 16 के सब फैक्टर्स हैं. स्टूडेंट्स फैक्टर क्या होता है, फैक्टर इज़ द नंबर विच कम्स फ्रॉम द वन प्रोडक्ट, विच कम्स फ्रॉम वन प्रोडक्ट एंड दैट इज़ डिवाइडिंग द पर्टिकुलर नंबर. ओके या हम एक किसी टू नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम एक प्रोडक्ट लेके आते हैं. ओके सो स्टूडेंट्स द फैक्टर्स ब्रिंग द प्रोडक्ट. ओके द फैक्टर्स मल्टीप्लाइड टुगेदर दे फॉर्म अ प्रोडक्ट. ओके सो 2 एंड 8 आर फैक्टर्स ऑफ 16. स्टूडेंट्स किसी भी नंबर के फैक्टर्स हैं तो वही उसको डिवाइड करता है. ओके सो हेयर अब ब्रैकेट में देखिए, 2 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, डायरेक्ट हमारा 16 आ गया. जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बस हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, फैक्टर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 8 को स्प्लिट कर रहे हैं, 8 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं या 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. स्टूडेंट्स आप इमेजिन करिए, 8 को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 8 या 4 प्लस 4 ऑल्सो इक्वल्स टू 8. तो स्टूडेंट्स 8 या 8 जो है नंबर, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो या 2 पार्ट्स में डिवाइड हो, दैट इज़ द फॉर्म ऑफ नंबर. आपको नंबर्स की वैल्यू को समझते हुए डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो स्टूडेंट्स इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में वैल्यू ऑफ नंबर्स मायने रखती है. आप उसको वैल्यू को जब अपने मन में लिए रहोगे तो आप उसमें दिक्कत आपको नहीं होगी. तो स्टूडेंट्स 2 3 6 प्लस 2 5 10, तो 6 प्लस 10 फिर से हमारा हो गया 16. यही होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ओके 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 5, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 अगेन and then we will have the answer. Okay students, multiplication by 10 100 and 1000. आइए students हम इसको देखते हैं.
इट्स वेरी सिंपल. टू ऑब्जर्व द फॉलोइंग रूल्स व्हेन वी मल्टीप्लाई नंबर बाय 10, 100 and 1000, टू मल्टीप्लाई अ गिवन नंबर बाय 10, पुट 10 ऑन द राइट साइड ऑफ द गिवन नंबर. स्टूडेंट, जब भी हम किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमेशा उसके राइट साइड में हमें वंस प्लेस पे हमें 0 लगा देना है. ओके स्टूडेंट्स, कुछ नहीं, आपको कितना भी बड़ा नंबर आप मल्टीप्लाई करो 10 से, आपको राइट साइड में बस एक 0 लगा देना है. ओके, बिकॉज एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 10 हैज़ द इंक्रीज ऑफ 1/10 वैल्यू. एक 10 के एक वैल्यू में आप उसमें इंक्रीज हो जाता है कि 10 का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में. ओके, सो 10 × 10 बिकम्स, ओके, इट बिकम्स 10 × 10. सो स्टूडेंट्स, आप इमेजिन करिए 425 मल्टीप्लाइड बाय 10 है, तो 10 के प्लेस पे 2 है. 10 के प्लेस पे 2 है तो उसकी वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या हुई, 20. देन 20 मल्टीप्लाइड बाय 10 इक्वल्स टू 20. लेट्स सी, ओके, लेट्स सी अ प्रैक्टिस, देन वी विल अंडरस्टैंड. तो स्टूडेंट, 425 है, 20 यहाँ पे है हमारा प्लेस वैल्यू, इंटू 10, सो यू हैव हियर 200. ओके, जैसा कि हमारा प्रॉपर्टी बता रहा है. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने स्प्लिट थोड़ा किया हुआ है इसको आपको ये समझाने के लिए कि क्यों 10 से मल्टीप्लाई करके सिर्फ राइट साइड में एक 0 लगा देते हैं. ओके, बिकॉज वी मल्टीप्लाई 10 बाय एनी नंबर, वी विल हैव द मल्टीप्लिकेंट के 10 टाइम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू. तो वैल्यू स्टूडेंट जब बढ़ती है तो हम पूरी की पूरी हमारी 100 वैल्यू बढ़ रही है साथ में. ओके, तो इसलिए स्टूडेंट्स 425 इज देयर, सो वी विल पुट 10 आफ्टर दैट. यू कैन सी हियर देयर आर 10 मोर. ओके, 20 × 10 इक्वल्स टू 200, सो हियर ऑल्सो यू विल हैव 10 एक्स्ट्रा. ओके, बिकॉज 10 इज मल्टीप्लाइंग मोर. ओके, लाइक दिस. ओके, सो इन केस ऑफ 100 यू हैव टू ऐड 20. स्टूडेंट्स, 10 में हम 10 ऐड करते हैं राइट साइड में, 100 के केस में 20 ऐड कर देंगे राइट साइड से, एंड ऑल्सो इन 1000 वी विल ऐड 3 0s. स्टूडेंट्स, कोई भी नंबर हो, आपको जब हम 1000 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसके लास्ट में राइट साइड से 3 0s हम लगा देते हैं. ओके, जस्ट वी हैव टू डू 3 0s. ओके, दिस इज द मल्टीप्लीकेशन बाय 10, 100 and 1000. ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम सबके सॉल्व करके देखेंगे कि इसमें सारे प्रॉपर्टीज़ को देखना हमें कौन कौन से यूज़ हुए हैं. तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है आप ध्यान से देखिए, पहले सी दिस क्वेश्चन वेरी वेल. सो स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 × 15 इज इक्वल टू -3. तो स्टूडेंट्स, इसमें आपको क्या लग रहा है कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ हुआ है? क्या हम 3 को मल्टीप्लाई करें 15 से? क्या हमें ये इसका आंसर यहाँ पे लिखना है तब वो मल्टीप्लाई होगा 3 से? नो, द थिंग इज़ हियर वी हैव टू यूज़ द ऑर्डर प्रॉपर्टी. हमको यहाँ पे ऑर्डर प्रॉपर्टी का यूज़ करना है. आइए देखिए हम कैसे करेंगे इसको. सी दिस, 3 × 15 इज इक्वल टू 15 × 3. दिस इज़ द थिंग. हम यहाँ पे आंसर हमें नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आप स्टूडेंट्स, हमारे क्वेश्चन में यहाँ मल्टीप्लाइड बाय 3 था, इट वाज दिस. सो क्या मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 3 × 15. सो स्टूडेंट्स, 15 से मल्टीप्लाई जब करेंगे 3 को तो वही इसके बराबर होगा. तो इसमें ऑर्डर प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स यूज़ हो रही है. आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स, आई होप सो. एंड इन द सेकेंड क्वेश्चन ऑल्सो ऑर्डर प्रॉपर्टी यूज हुई, 16 × 28. हमें मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं लिखना स्टूडेंट्स. कुछ बच्चे गलती करते हैं और वो डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख देते हैं बिना देखे स्टूडेंट्स कि आप कि नेक्स्ट नंबर क्या मल्टीप्लाइड हो रहा है. ओके स्टूडेंट्स, कभी भी जब एक्सरसाइज आप करते हैं तो जो एक्सप्लेनेशन होता है उसी के अकॉर्डिंग पे एक्सरसाइज बनता है, एक्सरसाइज आपको सॉल्व करना होता है. सो नेवर एवर यूज़ योर माइंड बट यूज़ द वट बुक इज़ टेलिंग यू. क्या एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है, क्या उसके पहले पढ़ाया जा रहा है, उसके बेसिस पे आपको सॉल्व करना है. ओके, आप कभी भी स्टूडेंट्स बिना लेक्चर सुने आप डायरेक्ट आप सॉल्व करोगे, आपको कुछ ना कुछ गलतियाँ आपसे होंगी.
डायरेक्ट आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, आपको सारे प्रॉपर्टीज़ को समझते हुए तब उसको सॉल्व करना है, तब आप बिल्कुल परफेक्ट आप काम करोगे। सी में भी आप देख सकते हैं 178 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 178। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे, वेरी इजी, दिस इज आल्सो द ऑर्डर प्रॉपर्टी। डी में देखते हैं 485 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आता है। ओके, चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट, नेक्स्ट ई, 9 × 97 + 3। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे देख के समझ में आ रहा होगा कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमें जो बाहर ब्रैकेट में होता है उसको हम दोनों से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक्स है, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक फिल इन द ब्लैंक्स है। लेट्स सी द क्वेश्चन। ओके, हम क्वेश्चन देखते हैं, ई में देखते हैं 9 × 97 + क्या करना है हमें कि हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 9 × 97 + 9 × 3। ओके, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज़ करेंगे तो 9 को 97 से भी मल्टीप्लाई करना है और 9 को 3 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ब्रैकेट में क्या हम लिख देंगे, 3। ओके स्टूडेंट्स क्या लिख देंगे यहाँ पे ब्रैकेट में, 3। देखिए आप स्टूडेंट्स 9 को 97 से भी मल्टीप्लाई करना था अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे हुआ है। और यहाँ पे एक ब्लैंक है फिल इन द ब्लैंक्स, तो 9 को फिर से किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ पे ये नंबर आ जाए 9 × 3। सो किससे मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 9 × 3। तो यहाँ पे इस फिल इन द ब्लैंक्स में हम लिख देंगे 3। लेट्स राइट हियर 3, ऑलरेडी हैव डन इट ऑल्सो। ओके, 3, दिस इज द आंसर। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट एफ। ओके, दिस इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स। सो 4 आउटसाइड है हमारा, 28 + 190 है, 4 को हम पहले मल्टीप्लाई करें 28 से, नेक्स्ट नंबर क्या होगा मल्टीप्लाई 190 से, ऑलरेडी 4, इट विल बी 4, 4 को ये मल्टीप्लाई में करना है। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ आंसर नहीं लेके आना है, हमें सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को समझ कर फिल इन द ब्लैंक्स करना है। दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आप देखिए स्टूडेंट्स 4 यहाँ पे 2 टाइम्स, एक बार यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक बार यहाँ पे 2 टाइम्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ओके, क्यों डिस्ट्रीब्यूटर स्टूडेंट्स, क्योंकि बीच में आप देख सकते हैं एडिशन है। ओके, एडिशन, तो स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ये है कि आप एडिशन करके आप मल्टीप्लाई करें तो भी आपका आंसर भी आएगा, और आप डिस्ट्रीब्यूट करके आप जब आप करते हैं मल्टीप्लिकेशन तो भी आंसर वही आएगा। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन, कि मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट होता है, देन ऑल्सो इट रिमेन्स द सेम। ओके, लेट्स सी हियर मल्टीप्लिकेशन बाय 10, 100 and 1000, फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट्स जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से हमें राइट साइड में एक ज़ीरो लगाना है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तो हमें 2 ज़ीरोज़ लगाने हैं, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से तो हमें 3 ज़ीरोज़ लगाने हैं। और स्टूडेंट्स हम इस एक्सरसाइज में देखेंगे कि हम अदर देन जब नंबर को यूज़ करते हैं तो हम कैसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 47 × 10। सो यू ऑल नो दैट इफ मल्टीप्लाइड बाई 10 सिंपली हम राइट साइड में एक जीरो लगा देंगे। ओके, इट विल बी 470। 37 × 30। ओके स्टूडेंट, 37 × 30। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान देना है कि आपको 37 को कम्प्लीटली 30 से नहीं मल्टीप्लाई करना है, बट ओनली आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, आपको सिर्फ उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 111, और स्टूडेंट्स आपके पास बचा जो है 0, जो 30 में आपके यहाँ 0 है वो आपका बच रहा है क्योंकि आप 37 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ओके, एंड 0 यू आर नॉट टचिंग, अब 0 से 30 से कम्प्लीटली मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो। स्टूडेंट्स जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यू ऑलवेज नो दैट 10 × 3 ऑलवेज इक्वल्स टू 30। ओके, देखिए 30 भी कैसे आ रहा है स्टूडेंट्स आपका,
10 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ रहा है हमारे पास 30, और 3 को जब हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास फिर भी 10 बचा। ओके, जब हम 3 को 37 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास फिर भी 10 बचा। तो स्टूडेंट्स, इसीलिए हम इसको ग्रुपिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय 10 करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और द मल्टीपल्स ऑफ 10 करते हैं कि हम लास्ट में उसको ज़ीरो सिंपली राइट साइड में ऐड कर देते हैं। तो 37 के 10 के प्लेस को जो 3 है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है, और ज़ीरो के पार्ट को जो 10 पार्ट है उसको हमें छोड़ देना है, और उसको बस सिंपल हमें ज़ीरो उसमें लगा देना है। इस तरह से स्टूडेंट्स हम उसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपके पास बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको सबको ध्यान देना है कि आपको जो 0 0 है, जो 10 या 100 में है, मल्टीपल्स में जो 0 0 नंबर्स हैं, उनको आप छोड़कर फर्स्ट नंबर से जो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो इजीली, ओके, ओरली मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसको आपको मल्टीप्लाई करके लास्ट में 0 0 लगाना है। और ये स्टूडेंट्स और भी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें और भी समझ में आएगा। जैसे 306 है मल्टीप्लाइड बाय 200 है, ओके ओके स्टूडेंट, दिस इज़ द क्वेश्चन। ओके, सो 306 को हम सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 0 को राइट साइड से ऐड कर देंगे। तो 306 को हम ऑलरेडी देख लेते हैं स्टूडेंट्स, 6 2 12, हमने यहाँ 2 लिख दिया, 1 कैरी ले लिया अपने मन में, फिर 2 0 0 और 1 कैरी लग के 1 हो गया हमारा पास यहाँ पे, एंड 3 2 6, तो 612 आ गया। अब 0 0 को हम भूल जाते हैं, और 0 0 हमको यहाँ से उठाकर यहाँ पे बस इसको पुट अप कर देना है इस तरफ, 61,200। ओके, इस तरह से हमको सॉल्व करना है। दिस इज़ द फास्ट मेथड। ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स सीखना, क्योंकि आपको फास्ट कैलकुलेशंस आगे को करनी है। तो स्टूडेंट्स, जब भी कभी इस तरह के क्वेश्चन आएँ 10 से मल्टीप्लाई या मल्टीपल्स ऑफ 10, तो ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू डू लाइक दिस। ओके स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर 14 मल्टीप्लाइड बाय 2000। तो स्टूडेंट्स, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 0s को हम पीछे से ऐड कर देंगे। इस तरह से हमको सॉल्व करना है। तो 14 2 is 28 एंड देन 3 0 वी विल पुट लाइक दिस। ओके, लेट्स सी मोर क्वेश्चंस। दिस इज ऑर्डर प्रॉपर्टी, सॉरी, दिस इज मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टीज। सो यू कैन सी 57 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 2। सो 10 प्लस 2 हम नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें हमें ध्यान देना है कि हमें मल्टीप्लीकेशन बाय 10 भी करना है, एंड वी हैव टू ऑल्सो डू द मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑल्सो। तो स्टूडेंट्स, कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे देखते हैं हम। 57 को हम 570 को हम पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई स्टूडेंट दोनों से करना है। आप देख सकते हैं, जैसा हमने आपको बताया था, इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, हमें दोनों से मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन हम इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, पहले हम 10 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? बिकॉज वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 10 एंड जस्ट ऐड 0, हमें 0 ऐसे ऐड करना है। तो हम पहले क्लियर एक आंसर ले लें, 57 into 2। तो हम स्टूडेंट्स इसमें भी स्प्लिट करके देखेंगे, 57 को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका 0 पीछे लगा देंगे। तो 570 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल्स टू 1140। ओके, इक्वल्स टू 1140, दिस इज द आंसर, 570 into 2। ओके, दिस इज द वे टू सॉल्व दिस। ओके, नेक्स्ट डी, 15 into 23। सो 15 को 20 plus 3 में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स हमें इसको इस तरह से भी सॉल्व करना है कि हमारा सॉल्यूशन इजी हो। ओके, हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी यूज़ करना है। स्टूडेंट्स, हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि वी हैव द मल्टीपल्स ऑफ 10 लेफ्ट विद अस टू मल्टीप्लाई। सो 15 को हम 3 से भी मल्टीप्लाई हमें करना है और 20 से भी। तो स्टूडेंट्स, हम पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 20 से करेंगे। ओके, सो 15 3 is 45। ओके, 450 के देन
450 will be multiplied by 20. Okay, so you have here 900. Okay, very easy to do. You can do this. F 200 multiplied by 374. 374 को 2 से सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरोस हम लास्ट में ऐड कर देंगे. ओके, एच 12 मल्टीप्लाइड बाय 7000, तो 12 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 84 होगा, देन 000 विल बी एडेड, 84000. इस तरह से स्टूडेंट्स, आई होप आई एम क्लियर. लेट्स सॉल्व क्वेश्चन. सी हाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई 3-digit नंबर बाय 2-digit नंबर. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी. तो हमने प्रॉपर्टीज़ को भी देख लिया स्टूडेंट्स सारे, अब हम देखते हैं कि कैसे हम 3-digit नंबर के 3-digit नंबर को हम 2-digit नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. स्टूडेंट्स, वी हैव टू सी हियर that we learn the tables first, okay, very nicely, then we will able to do this. So अभी हमारे पास देखिए students, 543 into 18 है. तो students, सबसे पहले हम 1-8 में से सिर्फ 8 को लेंगे और 543 से multiply करके first row में लिखेंगे. 543 को सिर्फ 8 से multiply करके first column में हम लिखेंगे. स्टूडेंट्स, 2 नंबर या 3-digit नंबर या 4-digit नंबर के कोई भी मल्टीप्लिकेशन टफ नहीं है, अगर आपको टेबल्स आते हैं तो. बस रूल्स को हमें जब हम फॉलो करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे लिए चाहे वो 2-digit का हो चाहे 1-digit का हो, हमारे लिए इजी होगा. वी कैन डू दैट. ओके, लेट्स सी हाउ वी विल डू. सो हम 8 से पहले मल्टीप्लाई करके फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे. सो हम कैरी भी स्टूडेंट्स करेंगे इसमें, दिस इज़ कैरी मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो. So you will also do that. So 8 3s are 24. Okay, 8 3s is 24. 2 carry. Then 8 को 4 से multiply किया हमने. 8 4s is 32. 32 plus 2 is 34. 32 plus 2 is 34. So हमने 3 यहाँ पे carry ले लिया. अब 5 को फिर 8 से करेंगे. Okay, 5 8s are 40. Okay, देन 3 वॉज कैरी, तो 43 हो गया. तो फर्स्ट रो हमारा क्लियर हो गया स्टूडेंट्स. जब स्टूडेंट्स हम 2 नंबर्स में हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जब हम सेकेंड नंबर में मल्टीप्लाई करने वाले होते हैं, तो हमें वंस के प्लेस पर हमें क्रॉस कर देना है. जैसे आप देख सकते हैं, वंस की प्लेस पे हम नेक्स्ट में आते हुए हम क्रॉस कर देंगे. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाले में हम क्रॉस नहीं करेंगे, सेकेंड वाले में जब हम करते हैं तो हम वंस की प्लेस पे सबसे पहले क्रॉस कर देते हैं. ये रूल है स्टूडेंट्स, तो आपको उसको ध्यान देना है. ओके, यू कंप्लीट दिस रूल, देन आल्सो यू विल डू इट फर्दर. तो स्टूडेंट, जब हम अब हमको क्या करना है, 543 को 1 से हमें मल्टीप्लाई करना है. तो स्टूडेंट्स, 1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्रॉस के आगे से लिखेंगे. ओके, हमको क्या लिखना है, क्रॉस के आगे से हमें प्रोडक्ट को आंसर को लिखना है. सो 3 1s are 3, 4 1s are 4, 5 1s are 5. आपने 1 by 1 एक के नीचे एक लिख दिया. तो स्टूडेंट्स, आपको जब लिखना है तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको 1 by 1 वंस के प्लेस के नीचे वंस, टेंस के प्लेस के नीचे टेंस, ओके, 100 के प्लेस के नीचे 100 की वैल्यू को लिखना है. अदरवाइज आपका आंसर मिस्टेक हो जाएगा. आप किसी एक दूसरे में दूसरे नंबर्स में आप एडिशन कर सकते हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिए, जब सेकेंड नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है तो 4 के एग्जैक्ट नीचे यू विल हैव द क्रॉस. ओके, सॉरी स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर दैट नॉइज. ओके, सो देन यू विल ऐड. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट. द सेम क्वेश्चन इज हेयर, 543 मल्टीप्लाइड बाई 18. स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं 4 के नीचे 0 है, 0 या क्रॉस, एनीथिंग यू कैन राइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4-digit नंबर मल्टीप्लाइड बाई 1-digit नंबर अकॉर्डिंग टू द सिलेबस.
सो स्टूडेंट्स, हमें को बस यहाँ कुछ नहीं, बस 1000 का नंबर हमारे पास एडेड है एज इट इज़, हमको कैरी लेना है और मल्टीप्लाई करना है। सो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल हैव सम कैरी। कैरी को हम पुट अप करेंगे और राइट साइड वंस के प्लेस का हमें लिखना है डाउन में, और बाकी लेफ्ट के साइड में जो हमें है उसको कैरी लगाना है। तो 7 3 20 21, 2 कैरी एंड 1 विल बी डाउन, 3 3 9, 9 + 2 11, 11 के बाद फिर से 1 कैरी यहाँ पे, 5 3 15, 15 + 1 16, 16 देन अगेन 1 कैरी, 3 2 6, देन 1 + 1 7। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से 4 डिजिट नंबर्स इनटू 1 डिजिट आपके होंगे। स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिएगा, आपको ये बहुत प्रैक्टिस करना है कि 3 डिजिट मल्टीप्लाई बाय 2 डिजिट बहुत आप प्रैक्टिस करिए स्टूडेंट्स, इससे आपकी मल्टीप्लिकेशन की मेमोरी स्ट्रांग होगी। ओके, बहुत स्ट्रांग होगी। आपको लर्न करने से स्टूडेंट्स उतना अच्छे से नहीं याद होगा जितना आप प्रैक्टिस करने से होगा। स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेशन का प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ओके, सो यू ऑलवेज प्रैक्टिस दिस। आई विल गिव द होमवर्क, यू हैव टू डू दैट होमवर्क ऑल्सो। सी स्टूडेंट, दिस इज़ योर होमवर्क, 4 डिजिट नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 डिजिट, वेरी इजी। ओके, जस्ट टेक कैरी एंड देन डू द क्वेश्चन। ओके, स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल, आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। ओके, नेक्स्ट आप वॉल्यूम 2 में स्टूडेंट्स बाकी के लैटिस मल्टीप्लिकेशन, ओके, कैसे उसको रूल्स कैसे अप्लाइड हैं उसमें, उसको आप देख सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, लैटिस मल्टीप्लिकेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग है और खुदा और आप बहुत इन्जॉय करोगे। ओके, लैटिस मल्टीप्लिकेशन इज़ वेरी फन। ओके, इट इज़ वेरी क्विक। आपको जब इससे टाइम लगता है, ये मल्टीप्लिकेशन करने में टाइम लगेगा, इसको कहते हैं स्टूडेंट्स वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन। इस वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन को करने में आपको टाइम लगता है, बट लैटिस मल्टीप्लिकेशन इज़ मोर क्विक, ये और क्विक होता है, और स्टूडेंट्स आपको इसमें बहुत मज़ा आएगा। तो वॉल्यूम 2 भी आप देखिएगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, आई होप यू हैव अ लर्निंग टाइम इन दिस लॉकडाउन। ओके, डोंट फॉरगेट टू डू द होमवर्क। Okay, students, thank you.